हेलो एवरीवन, ये वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला सेक्शन है उसके मई 2020 के आरटीपी को। तो जो आरटीपी इशू किया था सी इंस्टीट्यूट ने मई 2020 टर्म के लिए, उसमें जो पेपर 8 है उसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले सेगमेंट को आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए काम करते हैं, लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो किस पे है, रेशियो एनालिसिस पे, क्वेश्चन नंबर 1। चलो जल्दी से पढ़े क्या है। देखो, एमटी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020। तो देखा, मेरा यहां पे 2 साल का बैलेंस शीट बनाकर दिया हुआ है, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ फंड, शेयर होल्डर फंड यानी इक्विटी रिजर्व प्रेफरेंस, तीनों मिलाकर। अगला है लोन फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड में क्या है, कुछ फिक्स एसेट में गया, कुछ करंट एसेट में गया, लेस के करंट लायबिलिटी में क्या मिला है, वर्किंग कैपिटल। अब आगे देखो, इनकम स्टेटमेंट बनाकर दिया हुआ है फॉर ईयर एंडिंग, दोनों साल में क्या क्या है, सेल वैल्यू दोनों साल का दिया हुआ है, सीओजीएस दिया हुआ है, मेरे को क्या मिल गया है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब से सीओजीएस के अंदर में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं रहता, इसीलिए बाद में माइनस किए मेरे को सीधा मिला है ईबीआईटी। ईबीआईटी से माइनस किए इंटरेस्ट मुझे मिला टैक्स, सीधा क्या मिलेगा, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, आइदर ईएटी बोले या फिर पीएटी बोले। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है 2019-20 के लिए, मतलब सेकेंड ईयर के लिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, अगला फाइनेंशियल लेवरेज, आरओसी, आरओई, एवरेज कलेक्शन पीरियड, और देखो क्या बोला है, एक साल में हम लोग कितना डेज अज्यूम करेंगे, 365। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे मिलेगा। अब अगर इन्वेंट्री के बारे में कुछ ना बोले, हम लोग हमेशा मानते हैं एफजी स्टॉक, और अगर बाय चांस एफजी स्टॉक मानते हैं तो एफजी स्टॉक का टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या बनता है, सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अब जरा देखना, यह 2019-20 का निकालना है, तो 1920 के अंदर में आप लोगों को सीओजीएस मिलेगा 2019-20, तो ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 हुआ, उस पर देखो सीओजीएस का वैल्यू ये रहा। डिवाइड करना है एवरेज स्टॉक से, एवरेज स्टॉक कैसे मिलेगा, ये देखो इन्वेंट्री रहा, एवरेज क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, तो भैया ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, डिवाइडेड बाय 2, तो सीओजीएस ये रहा। डिवाइड करेंगे एवरेज स्टॉक से जो कितना आएगा, 2500 और 2000 का एवरेज, 2250, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 21100 डिवाइडेड बाय 2250। अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये देखना, ये वैल्यू आएगा 9.38 टाइम्स, सारा टर्नओवर रेशियो टाइम्स के टर्म्स में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। अगला हमारा है फाइनेंशियल लेवरेज, आई लेवरेज चैप्टर में पढ़ा हुआ है। और फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या रहेगा, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, अगर बाय चांस प्रेफरेंस डिविडेंड रहेगा तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। पर यहां प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में कुछ नहीं है, यानी शॉर्ट हमारे फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या बनेगा, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। और ये कौन से ईयर का निकालना है, 1920, यानी सेकेंड ईयर में देखेंगे ईबीआईटी कितना और ईबीटी कितना। चलो जरा देखिए ईबीआईटी और ईबीटी का वैल्यू कितना कितना है, ये रहा ईबीआईटी 950, ये रहा ईबीटी 650, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 950 डिवाइडेड बाय 650। अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू आएगा 1.46 times। ठीक, अब तीसरा हमारा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मेरा पहला क्वेश्चन उठता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या, पहला क्वेश्चन उठता है, ये जो वर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड है इसका मतलब क्या। अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कुल मिला के कंपनी को स्टार्ट करने के लिए टोटल कैपिटल कितना लाया गया। टोटल कैपिटल का मतलब क्या, टोटल लॉन्ग टर्म फंड कहां से कितना कितना आया, उसमें क्या रहेगा इक्विटी शेयर, क्या रहेगा रिजर्व, क्या रहेगा प्रेफरेंस शेयर,
क्या रहेगा? डिबेंचर। जब सबको मिला दे तो क्या होता है? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो या डिबेंचर, ये सबको अपना पैसा कहां से मिलता है? ईबीआईटी से। तो अगर आप लोग स्टडी मार्ट में देखेंगे तो इसका दो फॉर्मूला दिया है। एक फॉर्मूला लोग देता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल इंटू 100, और एक में देता है ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल इंटू 100। तो इसके इसको लेके थोड़ा बहुत डिस्प्यूट या डिबेट चलता है कि यहां पे इंटू 1 माइनस टी होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो स्टडी मार्ट में दोनों अप्रोच करता है, तो लोग दोनों में जो मन चाहे करेंगे, दोनों एब्सोल्युटली राइट है। आप क्योंकि आरटीपी के अंदर में ये लोग इंटू 1 माइनस टी किया है तो इसीलिए हम लोग करके दिखा रहे हैं। पर स्टिल अगर बाई चांस को इंटू 1 माइनस टी ना करें तब भी आप लोग स्टडी मार्ट के हिसाब से वो राइट है। चलो जरा देखिए ईबीआईटी का वैल्यू क्या। देखो ईबीआईटी का वैल्यू मेरा सेकंड ईयर में है 950, मुझे पता है। इंटू 1 माइनस टी, अब मेरे को चाहिए टैक्स रेट। अब टैक्स देखो 57 दिया हुआ है जब प्रॉफिट 190 कमाए थे, या टैक्स 195 दिया हुआ है जब प्रॉफिट 650 कमाए थे। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे टैक्स रेट कितना है तो मतलब कितना मिलेगा, 57 का टैक्स दिए जब प्रॉफिट 190 था, परसेंटेज फिर इंटू 100, कितना आएगा ये 30%। ठीक, तो ईबीआईटी पता है, सॉरी ईबीआईटी पता है, मैं उसे ईबीटी की तरफ पॉइंट किया था। ईबीआईटी पता है, इंटू 1 माइनस टैक्स रेट करेंगे डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आएगा? ओपनिंग कैपिटल कुल मिला के देखो, इक्विटी, प्रेफरेंस रिजर्व ये, डिबेंचर ये, तो ओपनिंग टोटल कैपिटल ये है, क्लोजिंग ये है। इसका एवरेज क्या बनेगा? 6000। और 5500 का एवरेज क्या बनेगा? 5750। तो इसका आंसर लिखते हैं, जाएगा 950 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय 5750, परसेंटेज के इंटू 100। अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आएगा 11.56%। ठीक, ये था हमारा पार्ट थ्री। पार्ट फोर क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी, जब इक्विटी वाले को क्या मिला। अगर इक्विटी शेयर होल्डर एक कंपनी का ओनर है, और अगर ये कंपनी का ओनर है तो उसको क्या मिलने वाला है? जो लास्ट में बच जाए वो उसका है। तो देखो लास्ट में क्या बचता है? आफिश। और वो तो तब होता जब प्रेफरेंस शेयर रहता। हमारे क्वेश्चन के अंदर में ईएटी है, तो हमारे फॉर्मूला में हम लोग क्या लिखने वाले हैं? सिर्फ ईएटी। तुम्हारा रिटर्न ऑन इक्विटी क्या बनेगा? ईएटी डिवाइडेड बाय ऑन एन एवरेज इक्विटी शेयर होल्डर का फंड क्या था, परसेंटेज के इनटू 100। ठीक, और ईएटी आप देखना 2019-20 का आपको पता है कितना है, 455। और डिवाइड करना है ऑन एन एवरेज इक्विटी शेयर होल्डर फंड कितना है। तो देखो भैया इक्विटी शेयर होल्डर, अब प्रेफरेंस शेयर तो है नहीं, अदरवाइज प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता। जब ये पूरा पूरा शेयर होल्डर फंड किसका है? इक्विटी वाले का। ओपनिंग में 2500, क्लोजिंग में भी क्या है? 2500, यानी शॉर्ट एवरेज भी क्या है? 2500। तो लोग क्या लिखेंगे? 455 डिवाइडेड बाय 2500 इंटू 100। अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखना ये वैल्यू आएगा 18.2%। ठीक, लास्ट में मुझे निकालने बोला है एवरेज कैप कलेक्शन पीरियड। तो देखो कलेक्शन पीरियड, कलेक्शन किससे करना है? डेटर से। तो मुझे डेटर्स का कलेक्शन पीरियड निकालना है। क्वेश्चन उठता है वो कैसे मिलेगा? देखो कैसे मिलेगा, आखिरी पार्ट भी देख लेते हैं यहां पे। देखो ये मेरे को पता है ऑन एवरेज डेटर्स का वैल्यू क्या होता है, जितना क्रेडिट सेल था डिवाइडेड बाई 360 करते हैं, पर क्वेश्चन ने बोला है 365, इसलिए 365 की पर डे सेल मिला इंटू डेटर्स का कलेक्शन पीरियड। ठीक, एवरेज डेटर्स, एवरेज डेटर्स अगर हम लोग देखेंगे तो सीधा बैलेंस शीट में लिखना, और डेटर या रिसीवेबल दिया हुआ है 1400, यहां पे दिया हुआ है 1100, तो इसका एवरेज क्या बन जाएगा? 1400 प्लस 1100 बाय 2, 1250।
इज इक्वल टू क्रेडिट सेल। आप लोग देखा 2019-20 में क्रेडिट सेल कितना है, 23,800 सेल दिया हुआ है, 23,800 डिवाइडेड बाय 365 इनटू कलेक्शन पीरियड। तो देखा कलेक्शन पीरियड कितना आ जाएगा, 1250 इंटू 365 डिवाइडेड बाई 23,800। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो देखना ये वैल्यू आ जाएगा 19.17 डेज। ठीक, तो ये काफी इजी क्वेश्चन था हमारे रेशियो एनालिसिस का। और एग्जाम में जनरली रेशियो कैलकुलेट करने नहीं बोलता है, एग्जाम में जनरली रेशियो देता है, बैलेंस शीट पीएल बनाने बोलता है, पर इस क्वेश्चन में रेशियो कैलकुलेट करना था और बड़ा इजी था। डन, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन वन। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर का। कैसे ना देखे, पीके लिमिटेड हैज फर्निश्ड हैज द फॉलोइंग बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर एज ऑन 31 मार्च 2020। और जरा देखा इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख शेयर था, इसका टोटल वैल्यू है 2 करोड़। 11.5% प्रेफरेंस शेयर था जिसका वैल्यू है 60 लाख, और 10% डिबेंचर है जिसका वैल्यू है 1 करोड़, कुल मिला के 3 करोड़ 60 लाख। ठीक है, अब यानी मेरे को क्या चाहिएगा, इक्विटी वाले का कॉस्ट वैक कैलकुलेट करने बोला है WACC। इसके लिए मेरे को इक्विटी का कॉस्ट चाहिएगा, अगला प्रेफरेंस का कॉस्ट चाहिएगा, अगला डिबेंचर का, यानी KE, KP एंड KD। KE, KP, KD हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं ये इंफॉर्मेशन पढ़ के। क्या लिखा है जरा देखे, द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी आर सोल्ड फॉर ₹200, और इसका मार्केट में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹200। तो आज के दिन का प्राइस दिया हुआ है ये क्या है, P0। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी विल पे नेक्स्ट ईयर अ डिविडेंड ऑफ ₹10 पर इक्विटी शेयर। अगले साल डिविडेंड दिया जाएगा, तो अगले साल जो डिविडेंड दिया जाएगा वो क्या है, D1, और विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 5% पर एनम, ये क्या है, ग्रोथ रेट। तो ऐसा मुझे D1 पता है, P0 पता है, G पता है, कहीं मिल जाएगा। आगे बोलते हैं अज्यूम करो 35% कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, ये क्या चीज में काम आएगा, डिबेंचर्स का कैलकुलेशन करने में, कॉस्ट ऑफ डेट। क्योंकि देखना इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है, तो जैसे इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे हमारा टैक्स बचेगा, तो मेरा KD निकालने में काम आएगा। कैलकुलेट क्या करना है, WACC ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी बुक वैल्यू पे ही कैलकुलेट करना है। ठीक, तो एक काम करते हैं फटाफट, अगर हम लोग देखें इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट ए, कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले WACC एग्जाम में लिखेंगे स्टेटमेंट प्रेजेंटिंग कैलकुलेशन ऑफ WACC, हम एक बार शॉर्ट में लिख रहा है। सोर्स क्या क्या है, अमाउंट, इसका वेट कितना है, कॉस्ट क्या है, WACC। ठीक, तीन सोर्स है, पहला इक्विटी शेयर, अगला था 11.5% प्रेफरेंस शेयर, अगला था 10% डिबेंचर। क्या क्या वैल्यू था, 2 करोड़ 60 लाख और 1 करोड़। तो एक काम करते हैं, रुपीज इन लाख कर देते हैं, तो 260 और 100 मिल जाएगा। ये मिलाकर कितना है, 360। ठीक, आप वेट अगर कैलकुलेट करें तो देखो भैया ये 200 है डिवाइडेड बाय 360, ये आएगा 60 डिवाइडेड बाय 360, ये बनेगा 0. और लास्ट वाला 100 डिवाइडेड बाय 360, ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 देखना कितना आएगा, 1। ठीक, और कैलकुलेट करना है सबसे पहले इक्विटी का कॉस्ट, वो क्या रहेगा, KE, क्या होता है, D1 upon P0 plus G। और D1 कितना है जरा देखना, 10, P0 है 200, ग्रोथ रेट है 5%। मैंने 5 by 100.05, आप लोग कैलकुलेट करके देखना ये कितना आएगा, 0.1 को वापस परसेंटेज के लिए 200 कितना बन जाएगा, 10%।
तो इक्विटी का कॉस्ट कितना आया है 10। ठीक, और प्रेफरेंस शेयर के बारे में यह नहीं लिखा हुआ है कि रिडीमेबल है, और अगर ये रिडीमेबल नहीं है, ये इनरिडीमेबल है, और इशू कितना में किए वो नहीं बताया, तो हम लोग मानेंगे एट पार, तो इनरिडीमेबल है और एट पार है, तो एग्जैक्ट जो 11.5% था वही इस कंपनी का कॉस्ट बन जाएगा। ठीक, अगला डिबेंचर का कॉस्ट जो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, केडी, वो कैसे आएगा, जितना इंटरेस्ट है इंटू 1-T डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स इंटू 100। कितना इंटरेस्ट है 100 का 10%, 10 इंटू 1- टैक्स रेट जो 30% था, कितना था, सॉरी 35% था, डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स इंटू 100, कैलकुलेट करके देखते हैं कितना बन जाएगा, 6.5%। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 5.56, ये मिलेगा 1.92, ये मिलेगा 1.81। तो अगर आप लोग ये सबको ऐड करें तो मेरा आ जाएगा 9.29%। डन, ये था पार्ट वन। अब देखो पार्ट टू के अंदर में क्या बोला हुआ है, पार्ट टू के अंदर में क्या लिखा हुआ है, कंप्यूट करना है नया WACC। अगर वाइसेस कंपनी 50 लाख और रेस करना चाह रहा है डिबेंचर से, 12% डिबेंचर, यानी अभी तक 3 सोर्स था, 4 सोर्स हो जाएगा, तो एनीवेज हम लोग सेम टेबल बनाएंगे 3 नहीं 4 सोर्स के साथ। अब आगे बोलते हैं, दिस वुड रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द एक्सपेक्टेड इक्विटी डिविडेंड टू ₹12.4। अब इस सिचुएशन में एक्सपेक्टेड डिविडेंड यानी D1 चेंज हो गया, ग्रोथ रेट बोलते हैं अनचेंज्ड है, मतलब सेम रह गया 5%, और प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर कितना हो गया है 160 पर शेयर, ये आ गया P0। जब मेरा KE चेंज होगा, एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस एग्जिस्टिंग डिबेंचर का कॉस्ट सेम रहेगा, नए डिबेंचर का कॉस्ट निकालना है, मुझे नया WCC मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, सेम वो टेबल रिपीट करेंगे, बस खाली एक और नया क्या जाएगा, 12% डिबेंचर्स। कितने का था 50, ये क्या बन जाएगा 410। ठीक, नया रेट निकालेंगे जो कितना आएगा 200 डिवाइडेड बाय 410, 0.4878। अगला 60 डिवाइडेड बाय 410, 0.1463। 100 डिवाइडेड बाय 410, 0.2439। 50 डिवाइडेड बाय 410, 0.1220। यहां पे हमारा नया KE आएगा, तो नया KE कैलकुलेट करते हैं, D1 अपॉन P0 प्लस G। D1 कितना है 12.4, P0 है 160, ये 5%। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करें, ये बच जाएगा 12.75%। ठीक, हमारा पुराना प्रेफरेंस, पुराना डिबेंचर का जो कॉस्ट निकाला हुआ था वो सेम रहेगा, नए डिबेंचर का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। चलो जरा एक काम करें, KD नया कैलकुलेट करें, इंटरेस्ट इंटू 1-T डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100, कितना बनेगा 50 का 12% 6 इंटू 1- टैक्स रेट डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100। अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखना ये आएगा 7.8%। तो सीधा मल्टीप्लाई करो, मेरे को क्या मिल जाएगा, नया WACC जाएगा 6.22। ये आएगा 1.68,
जाएगा 1.59, जाएगा 0.95। ठीक, अब सबको ऐड करता हूं, देखते हैं क्या बन जाएगा। टेन पॉइंट फोर परसेंट। आप लोग के आरटीपी के अंदर में इसका गलत सोल्यूशन है, उसमें 10.32 लिखा है और ये होगा 10.44%। डन। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर टू, जो कौन से चैप्टर से डील कर रहा था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तीसरा हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, जो काफी इजी क्वेश्चन है, इंडिफरेंस पॉइंट का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईपीएस इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन द फॉलोइंग फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स विल अकर। इंडिफरेंस पॉइंट क्या है, वो ईबीआईटी का वैल्यू जब हमारे दोनों ऑप्शन के अंदर में ईपीएस का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम। तो इस सिचुएशन में लोग ईबीआईटी के वैल्यू को एक्स मान लेते हैं, और आप लोगों को देखो ईपीएस का कैलकुलेशन का तरीका पता है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट क्या मुझे मिलेगा, ईबीटी इंटू वन माइनस टैक्स रेट क्या मुझे मिलेगा, ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होगा, आफेश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो दोनों ऑप्शन के अंदर में ईपीएस निकालेंगे, ईबीआईटी को एक्स मान के सारा बाकी सारा वैल्यू पुट करेंगे, लास्ट में इक्वेट कर देंगे, एक्स का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। जरा देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल 60 लाख, 12% डिबेंचर 40 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख, 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 लाख, 12% डिबेंचर 40 लाख, टैक्स रेट 35% है और इक्विटी शेयर का हर एक का वैल्यू 100 रुपया करके दिया हुआ है। ठीक, तो मुझे आराम से इजिली कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर हम लोग फर्स्ट वाले में देखें तो इक्विटी सॉरी अर्निंग्स पर शेयर क्या बनेगा, ईबीआईटी अगर एक्स माने इंटरेस्ट कितना आएगा, 40 लाख का 12% 4,80,000 इंटू वन माइनस टैक्स रेट, आप लोग देखना टैक्स रेट कितना दिया हुआ है, 35%। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना आएगा, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल 60 लाख का था और हर एक शेयर का वैल्यू 100 रुपया है, तो 60 लाख डिवाइडेड बाय 100 देखते हैं कितना बन जाएगा, 60,000। यह हमारा पहले ऑप्शन का ईपीएस आया, जो इक्वल टू हो जाएगा दूसरे वाले के साथ, ईबीआईटी का वैल्यू एक्स माना हुआ है। इंटरेस्ट देखो क्या होगा, इंटरेस्ट क्या होगा, 40 लाख का 12% 4,80,000 इंटू वन माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड देखना कितना आएगा, 20 लाख का 14% 2,80,000 सॉरी हाँ करेक्ट 2,80,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है, 40 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल था 100 रुपए में, यानी कितना आ जाएगा, 40,000। अब बस खाली एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मेरे को आराम से क्या मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू अगर हम लोग सॉल्व करें, ये बनेगा एक्स माइनस 4,80,000 इंटू 0.65, ये 4 0 गया, यहां पर 2 यहां पर 3, इनफैक्ट 2 को इधर ट्रांसफर कर देते, 3 को इधर ले जाते हैं, ये है 0.65, ब्रैकेट खोले तो 0.65x माइनस ये आएगा 4,80,000 का 65%, 5,92,000। ठीक, ब्रैकेट खोल देना, 1.3x माइनस 1.3x। अगर ये कैलकुलेट करेंगे देखो तो ये वैल्यू आएगा, देखना जरा 1772308। ठीक, तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल
स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन सेम हम लोगों क्लास में किया हुआ भी है। चलो अगला हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर चार, जो किस चैप्टर से रिलेट करता है। चैप्टर का नाम है लिवरेज, जो सबसे इजी चैप्टर माना जाता है पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। लिवरेज में देखो मुझे पहले कैलकुलेट क्या करने बोला है, डॉल डीसीएल एंड ईपीएस, शो कैलकुलेशन अप टू टू डेसिमल पॉइंट्स। चलो ठीक है, सबसे पहले मुझे बनाना है इनकम स्टेटमेंट। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 12%, बॉन्ड दिया है 37 लाख का, बॉन्ड्स को क्या देंगे इंटरेस्ट। सेल वैल्यू दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट दिया हुआ है मतलब ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, फाइनेंशियल लेवरेज दिया हुआ है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिया हुआ है जो क्या होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन इतना परसेंट है तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा 100 माइनस कंट्रीब्यूशन जो आएगा 72.45% ऑफ सेल। टैक्स रेट दिया हुआ है 40%। तो मेरा पहला काम है इनकम स्टेटमेंट बनाना, बाद में सारा लेवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए काम करते हैं, फटाफट हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं सारे इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। ये सब रुपीज इन लाख, सेल वैल्यू कितना दिया हुआ था 84 लाख। ये काम करते हैं रुपीज इन लाख, क्यों लैक्स जरूरत नहीं है, 84 लाख। माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, मेरा देखो वेरिएबल कॉस्ट कितना निकाले थे 72.45% ऑफ सेल, तो ये आएगा 84 लाख का 72.45%। जाएगा 6085800, मुझे सीधा क्या मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन 23,14,200। माइनस करना है फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट का देखो क्या लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट 6.96 लाख, 6,96,000। मेरे को सीधा क्या मिल जाएगा ईवीआईटी, माइनस करेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हम लोग किसको देने वाले हैं डिबेंचर्स को या बॉन्ड को, तो देखो डिबेंचर्स या बॉन्ड का वैल्यू कितना दिया हुआ था हमारे क्वेश्चन के अंदर में 37 लाख, उस पर 12%। मेरे को सीधा मिल जाएगा ईबीटी, अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखना ये आएगा 1174,200। माइनस करेंगे टैक्स एट द रेट 40%, जाएगा 469,680। मेरे को सीधा मिलेगा ईएटी 704,520। ठीक, अब कैलकुलेट करना है डॉल डीसीएल। अब देखो फाइनेंशियल लेवरेज 1.49 दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं पहले फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है ईबीआईटी बाय ईबीटी, एक बार जरा टेस्ट करके देखते हैं क्या 1.49 आ रहा है। तो 16,18,200 डिवाइडेड बाय 1174,200 पर यहां पर हमारे क्वेश्चन दिया है 1.49। जरा इस सिचुएशन के अंदर में हुआ क्या होगा, कुछ प्रेफरेंस डिविडेंड भी रहा होगा, कुछ प्रेफरेंस डिविडेंड भी रहा होगा, तभी मुझे क्या मिला होगा आफेश। क्वेश्चन उठते हैं वो कितना रहा होगा, कितना रहा होगा बताते हैं। हमारा फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, जो कितना है 1.49।
1.49 है, करेक्ट। ठीक, और ईबीआईटी अगर आप लोग देखो तो ईबीआईटी का वैल्यू कितना है, 16,18,200। ईबीटी का वैल्यू कितना है, 1174,200। माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड है 1.49। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे पता है प्रेफरेंस डिविडेंड का वैल्यू आएगा 88,160। अच्छा सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी है, करेक्ट। टी 0.6 रहेगा। अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 16,18,200 डिवाइडेड बाय 1174,600 इंटू 0.6 704,760 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इंटू 0.6 ऊपर चला जाएगा इंटू 1.49। जाएगा 5,31,36 आएगा। आप प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा 5,31,36। ये बनेगा 651,384। ठीक, अगर आप लोग अपने आरटीपी के सॉल्यूशन को देखोगे वहां पर वो लोग अचानक से यहां पर इंटरेस्ट के अलावा एक और चीज माइनस कर दिए, अदर फिक्स कॉस्ट बोल के बैलेंसिंग फिगर। पर ये कितना वाहियात बात है, ये इम्प्रैक्टिकल बात है। ऑब्वियस सवाल है, अगर मेरा फाइनेंशियल लिवरेज वैसे मैच नहीं कर रहा है तो ये क्या रहा होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो मुझे बैक कैलकुलेशन से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसकी वजह से आप लोग राउंडिंग ऑफ में कुछ 200 रुपए का फर्क आएगा, पर यह इररेलेवेंट है। 6,50,000 रुपए में 200 रुपए इररेलेवेंट है। तो मेरी वजह हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं जो मुझे 3 चीज कैलकुलेट करने बोला है। पहला कैलकुलेशन करने क्या बोला है, डॉल फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो देखो कंट्रीब्यूशन कितना है, इतना डिवाइडेड बाय ईबीआईटी इतना। कैलकुलेट करना है, क्या बन जाएगा, 23,14,200 डिवाइडेड बाय 16,18,200 ये बनेगा 1.43 टाइम्स। अगला निकालने बोला है डीसीएल, जो हम लोग इजीली कर सकते हैं, डॉल इंटू डीएफएल 1.43 इंटू डीएफएल जो हमारे क्वेश्चन में 1.49 दिया हुआ था। तो आप ये कैलकुलेट करना, ये आएगा 2.13 टाइम्स। लास्ट में निकालने बोला है अर्निंग्स पर शेयर, जो कैसे मिलेगा, आफेश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। आफेश देखो कैलकुलेशन किए थे 651,384 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना रहेगा, 50,00,000 डिवाइडेड बाय ₹10 करके यानी 5,00,000। ये बन जाएगा ₹1.30 पर शेयर। डन। तो ये था हमारा लेवरेज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन रिलेटिवली थोड़ा अच्छा इस वजह से हो गया कि जो फाइनेंशियल लेवरेज दिया हुआ था वो मेरा सीधा सीधा ईबीआईटी बाय ईबीटी से मैच नहीं किया, तो ये इनडायरेक्टली इंडिकेट किया था प्रेफरेंस शेयर एग्जिस्ट करता है। चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है कैपिटल बजटिंग का।
क्वेश्चन फाइव है कैपिटल बजटिंग का, फटाफट देखिए क्या है। अ कंपनी इज कंसीडरिंग द प्रपोजल ऑफ टेकिंग अ न्यू प्रोजेक्ट विच रिक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 800 लाख ऑन मशीनरी एंड अदर असेट। तो यहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है शुरू में कैश आउटफ्लो क्या होने वाला है, 800 लाख। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड द फॉलोइंग अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया हुआ है अगले 5 साल का, तो अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है, तो पहले माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन तो ईबीटी मिलेगा, फिर माइनस करेंगे टैक्स मुझे ईएटी मिलेगा, वापस ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन तब मुझे रेवेन्यू कैश इनफ्लो मिलेगा। ठीक। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग द एडिशनल कैपिटल इज 12%। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग एडिशनल कैपिटल इज 12%। रेजिंग एडिशनल कैपिटल यानी मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है 12%, ये मेरा पीवी फैक्टर होगा। एंड असेट्स हैव टू बी डेप्रिशिएटेड एट 20% ऑन डब्ल्यूडीवी बेसिस। ध्यान देना डब्ल्यूडीवी बेसिस बोला है। द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर पीरियड वी बी टेकन एज 0। 5 साल बाद कुछ नहीं मिलेगा, बीच के स्क्रैप वैल्यू 0 है, यानी जो टर्मिनल कैश इनफ्लो आएगा वो 0 है। इनकम टैक्स रेट दिया हुआ है 40%, मुझे कैलकुलेट क्या करना है। जो रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू, एक सेकंड, जो रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, एनपीवी निकालना है 12% पे, और उसके बाद अप्रोप्रिएट डिसीजन लेना है, यानी अगर एनपीवी पॉजिटिव एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव रिजेक्ट करेंगे। ऑल्सो कैलकुलेट द आईआरआर ऑफ द प्रोजेक्ट, आईआरआर भी कैलकुलेट करना है। और सिंस पीवी फैक्टर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो हमेशा दिया रहेगा उसी को हम लोग यूज करेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग एक टेबल बनाकर कैश इनफ्लो निकालते हैं, हर साल का कितना आया। एक और मुझे 5 साल का कैश इनफ्लो मिल गया, फिर आगे क्वेश्चन करना बड़ा आसान रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फाइव। सबसे पहले मेरा काम है हम लोग कैलकुलेट करते हैं रेवेन्यू कैश इनफ्लो। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। हमारा अर्निंग्स दिया हुआ था बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स रुपीज इन लाख में 320, 360, 360। इससे पहले हम लोग माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। कारण क्या, यहां पे देखो लिखा हुआ था ये अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है, तो पहले माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट कम होगा, फिर टैक्स कंप्यूट करके वापस डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन मेरा नॉन कैश है। पर स्टिल एक और का माइनस करना पड़ा, कारण क्या है, टैक्स के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए। और डेप्रिसिएशन का रेट है 20% डब्ल्यूडीवी पे, 800 लाख का मशीन, तो पहला साल क्या आएगा 800 का 20% 160। ठीक। अब देखो डब्ल्यूडीवी मेथड अगर बाय चांस रहता है तो इसका एक शॉर्टकट है, हम लोग को पता है। अगर डेप्रिसिएशन रेट है 20% तो पहला साल 160 जो आया ना, सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन क्या बनेगा 160 का, डेप्रिसिएशन रेट 20%, डब्ल्यूडीवी मेथड, तो 100 में 20 हटा क्या बचता है 80, तो 160 का 80%। और आप लोग कैलकुलेट करेंगे 160 का 80% जाएगा 128। उसके नेक्स्ट ईयर हम लोग क्या लिखेंगे 128 का 80%। तो ध्यान देना ये वाला शॉर्टकट हम लोग सिर्फ तब लगा सकते हैं जब डब्ल्यूडीवी मेथड रहे। ये बन जाएगा 102.4, उसका 80% ही आएगा 81.92, उसका 80% ही आएगा 65.54। ठीक। अब सिंस ये डब्ल्यूडीवी बेसिस है तो ऑब्वियस सा बात है, जरूरी नहीं कि हमारा यहीं पे सारा का सारा मशीन डेप्रिशिएट हो गया होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर बचा होगा, तो मेरा कैपिटल लॉस है। और अगर बाय चांस वो लॉस आया तो वो गेन के साथ सेट ऑफ होकर टैक्स बचाएगा, तो इसी वजह से 800 में से माइनस करेंगे सारा डेप्रिसिएशन। इसके बाद भी जो डब्ल्यूडीवी बच गया वो मेरा कैपिटल लॉस है, टाइम पीरियड 5 में वो काम आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, कोई चाहे तो कैपिटल लॉस अलग से लिख दे कितना टैक्स बचा, या एक ऑप्शन हम यहीं पे कैपिटल लॉस को माइनस कर देते हैं।
तो अगर आप लोग कैलकुलेट करो तो 800 माइनस सारा डेप्रिसिएशन करना, ये बचता है 262.14। जो हम लोग यहीं पर माइनस कर दिए, आप कोई चाहे तो हम लोग अलग से माइनस कर सकते हैं बाद में जाके टर्मिनल कैश इनफ्लो में टैक्स सेविंग्स बोल के दिखाए। जो कैपिटल गेन आता तो टैक्स देना पड़ता, कैपिटल लॉस आया ये टैक्स बचाएगा। तो रेखा यहां पर मुझे क्या मिलेगा, ईबीटी 158.08। ये कितना आएगा, -27.68। मेरे को अगला माइनस करना है टैक्स, टैक्स रेट कितना दिया हुआ था 40%। तो इससे मेरे को सीधा क्या मिल जाएगा, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, जो कितना हो जाएगा 60%। तो आप लोग टैक्स माइनस करते रहना, हम सीधा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स लिख रहे हैं 60% करके। ये बना 96, ये बना 111.2, ये बना 154.56, ये बना 166.85 और ये बनेगा 16.61। ठीक, वापस से ऐड बैक करेंगे डेप्रिसिएशन, जो कैपिटल लॉस आया हुआ था ये वैल्यू फिर से ऐड बैक कर देते हैं। आखिरी ईयर में दोनों को ऐड करके हम लोग वापस से ऐड बैक कर रहे हैं। मेरे को सीधा क्या मिलेगा, हर साल का कैश इनफ्लो यह आएगा 256, 243.2, 256.96, 248.77, 311.07। एक और मेरा कैलकुलेशन यहां तक हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एनपीवी कैलकुलेट करेंगे एट द रेट 12% और संगी संग उसी टेबल में आईआरआर भी बनाने का ट्राई कर लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी एंड आईआरआर, लिखते हैं पर्टिकुलर्स। टाइम पीरियड यहां पे इनफैक्ट आईआरआर के लिए मेरे पास स्पेस नहीं है, एट द रेट 12%, अमाउंट रुपीज, प्रेजेंट वैल्यू रुपीज। हाँ, ये सब रुपीज इन लाख है। शुरू में मेरा कैश आउटफ्लो दिया हुआ है टाइम पीरियड 0 में 800 गया। मेरा हर साल का कैश इनफ्लो हम लोग जस्ट अभी कैलकुलेट किए टाइम पीरियड 1, 2, 3, 4, 5। कितना कैलकुलेट किए, 256, 243.2, 256.96, 248.77, 311.07। पीवी फैक्टर खुद कैलकुलेट करने मत बैठ जाना, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था एग्जैक्ट वही लेंगे। ये देखो जो 12% में दिया वही लेंगे, जीरो टाइम पीरियड 0 में हमेशा वन होता है, ये 0.89, 0.80, 0.71, 0.64, 0.57। आप सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे क्या मिलेगा, कैश आउटफ्लो आया 800, इसको अगर ए बोले, ये सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करके देखना, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, ये मेरा कैश इनफ्लो आ जाएगा
941.36, मेरे को सीधा एनपीवी मिलेगा बी माइनस ए 141.36। ठीक, तो ये हमारा एपीवी आ गया। अब सेंस देखो 12% में एपीवी पॉजिटिव आया और ये इंडिकेट करता है कि मेरा कंपनी एक्चुअल में 12% से कहीं ज्यादा कमाया है। सोचो ना, 800 का बेस में 141 पॉजिटिव चल रहा है तो ये सिग्निफिकेंट पॉजिटिव है। यानी पक्का 12% से ज्यादा कमाया है तो हम लोग अगला गैस 14 भी नहीं, इनफैक्ट चाहे तो सीधा 16% कर सकते हैं, क्योंकि 800 के बेस से 141 का एपीवी एक सिग्निफिकेंट बड़ा अमाउंट रहेगा। तो हम लोग अगला गेस करते हैं 16%, जिसपे देखते हैं एपीवी जीरो आया कि नहीं। अगर मान लो स्टिल पॉजिटिव आया तो 20 लेंगे, अगर नेगेटिव आ गया तो 14 लेके इंटरपोलेशन लगाएंगे। तो ये काम करते हैं, नेक्स्ट हम लोग गेस करते हैं 16%। चलो करते हैं कैलकुलेशन ऑफ IRR। टाइम पीरियड पीवी फैक्टर में हम लोग दो कॉलम लेके छोड़ देते हैं, एट द रेट 16%। एक और एट द रेट क्या आएगा वो मेरे को बाद में पता चलेगा। अमाउंट के बाद प्रेजेंट वैल्यू, एक 16% पे और एक दूसरा वाला बाद में निकालेंगे। कैश आउटफ्लो टाइम पीरियड 0 में है 800, कैश इनफ्लो टाइम पीरियड 1, 2, 3, 4, 5 में हम लोग कैलकुलेट किए थे। कितना कैलकुलेट किए थे ऊपर में मेरा किया हुआ है, और 16% का पीवी फैक्टर जो दिया हुआ है एग्जैक्ट वही लेंगे। 16% में देखो दिया हुआ है 0.86, 0.74, 64, 55, 48। टाइम पीरियड 0 में 1 होता है 0.86। ये तो 800 आएगा। ये सारा कैलकुलेशन आप लोग खुद करना, लास्ट में देखना ये वैल्यू बन जाएगा 850.71। तो देखो मेरा एनपीवी क्या आया है, स्टिल पॉजिटिव आया है 50.71। अगर 12% में भी एनपीवी पॉजिटिव आया, सॉरी 16% में भी एनपीवी पॉजिटिव आया, मतलब पक्का 16 से भी ज्यादा कमाया है, तो अगला हम लोग क्या लेंगे जो यहां पर दिया हुआ है 20% जो दिए एग्जैक्ट उसी पे निकालेंगे। बीस परसेंट में कितना कितना है 0.83, 0.69 दिया हुआ है वही ले लेते हैं। ये तो एग्जैक्ट 800 आएगा। ये सारे पी फैक्टर के सारे अमाउंट से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो रेखा आप लोगों को लास्ट में ये वैल्यू बन जाएगा 773.16। तो ये माइनस आएगा 26.84। पर मेरे को वो रेट निकालना है जब एनपीवी जीरो रहेगा, हम लोग इंटरपोलेशन लगा देंगे। तो रेखा 16% के अंदर में 50.71 था, 20% के अंदर में -26.84 है। मुझे वो परसेंटेज कैलकुलेट करना है जब एनपीवी जीरो रहेगा। अब आराम से हम लोग कैलकुलेट इंटरपोलेशन लगाएंगे, 10 माइनस 10 0 10 माइनस 10, होल डिवाइडेड बाय दोनों तरफ 10 माइनस 10 0 10 माइनस 10। तो देखना ये कैसा लगेगा, एक्स माइनस 16 0 माइनस 50.71, 20 माइनस 16 यहां पर आएगा -26.84 -50.71। आप लोग सॉल्व करके देखना, x का वैल्यू सीधा आ जाएगा, हम कैलकुलेट कर रखे हैं बताते हैं 18.62%। डन, चलिए था हमारा क्वेश्चन कैपिटल वेटिंग का। तो ये होता थोड़ा लंबा क्वेश्चन है पर ये काफी इजी क्वेश्चन था।
खाली एक बात को हम लोग समझना था, जो कैपिटल लॉस आया था उसको हम लोग आइदर उसी इनकम स्टेटमेंट में दिखा के माइनस कर दें, या एक ऑप्शन था उसको वहां से हटा के जब हम लोग बनाते अपना कैश इन्फ्लो में, क्या बोलते हैं उसको, जो लास्ट में टर्मिनल कैश इन्फ्लो उसमें जितना टैक्स सेविंग और कैपिटल लॉस वो वहां पर दिखाते। तो एनीवेज ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन 5। तो ये हमारा पार्ट वन वीडियो यहां पे खत्म होता है। अब क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 ये जो चार क्वेश्चन है इसका डिस्कशन रहेगा पार्ट टू में। चलो ना, चलो ये हमारा एफएम के आरटीपी का पार्ट टू। तो देखो पहले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन 1 से 5 तक सॉल्व कर लिए थे, ये पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे जो बाकी का चार क्वेश्चन बचता है 6, 7, 8, 9। क्या है जरा देखे, क्वेश्चन नंबर 6 है मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स का। क्वेश्चन 6 मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स का, जिसमें क्या लिखा हुआ है, टीएम लिमिटेड एक कलर टीवी मैन्युफैक्चरर है, वो ये कंसिडर कर रहा है कि कुछ क्रेडिट टर्म्स को लिबरलाइज करे, यानी थोड़ा ईज आउट कर दे, 2-3 ऑफ द लार्ज कस्टमर्स ए बी एंड सी। जो क्रेडिट पीरियड है और जो क्वांटिटी ऑफ टीवी सेट बेचा जाएगा इन एडिशन टू अदर सेल्स आर एज बिलो। तो देखो तीन कस्टमर है ए बी और सी, तीनों कस्टमर को कितना कितना क्वांटिटी ऑफ टीवी सेट हम लोग सेल करेंगे अगर 0 डेज का क्रेडिट दे। पहले एक बार बात करते हैं खाली कस्टमर ए का, अगर 0 डेज का क्रेडिट दे तब वो 10,000 खरीदेगा, अगर क्रेडिट पीरियड बढ़ा के 30 दिन कर दे तब भी वो 10,000 ही खरीदेगा, अगर बढ़ा के 60 डेज कर दे तब भी वो 10,000 लेगा, और 90 डेज कर दे तब भी वो 10,000 ही लेगा। तो देखो एक सिंपल सा बात, क्रेडिट पीरियड को बढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है कि सेल बढ़ेगा, पर यहां पे इवन दो क्रेडिट पीरियड बढ़ा रहे हैं बट स्टिल वो उतना ही खरीदेगा, तब इस केस में क्रेडिट पीरियड बढ़ाना ही क्यों है। तो कस्टमर ए के लिए कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, हम लोग सीधा बोलेंगे कि कस्टमर ए को क्रेडिट पीरियड क्या देना है, 0 डेज का, क्योंकि भले ही क्रेडिट पीरियड बढ़ाए पर सेल तो ज्यादा बढ़ेगा ही नहीं, तो क्रेडिट बढ़ाना क्यों है। तो कस्टमर ए के लिए हम लोग सीधा एक लाइन में यह कमेंट कर सकते हैं। अब कस्टमर बी को जैसे जैसे देखो क्रेडिट पीरियड बढ़ाया जा रहा है सेल भी देखो बढ़ रहा है। हमारा कस्टमर सी वो तो 0-30 डेज में तो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, 60 डेज दो तो इतना लेगा, 90 डेज में इतना लेगा, तो यानी एनीवेज 60 से 90 होते ही इसका सेल भी बढ़ रहा है। सेलिंग प्राइस पर टीवी सेट दिया हुआ है 15,000, कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है 50% ऑफ सेल, यानी वेरिएबल कॉस्ट भी 50% है। द कॉस्ट ऑफ कैरिंग रिसीवेबल्स, यानी रिसीवेबल्स को यानी डेटर को अपने बैलेंस शीट में कैरी करने के लिए कुछ खर्चा लगेगा, क्या वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करना पड़ेगा। सो जो डेटर्स में जाके कुछ पैसा ब्लॉक हो गया तो मुझे उसके लिए पैसा चाहिए ना, ये पैसा जो हम लोग लेकर आएंगे उस पे मेरा इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा, 20% पर अनम। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द क्रेडिट पीरियड अलाउड टू बी अलाउड टू ईच कस्टमर, अज्यूम करते हैं 360 डेज इन अ ईयर। तो जो कस्टमर ए के लिए दिमाग लगाना नहीं है, कस्टमर के लिए सीधा सीधा पता है 0 डेज का क्रेडिट। बी और सी का कैलकुलेशन करेंगे इनकम स्टेटमेंट बनाकर। चलिए काम करते हैं, हम लोग बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट कस्टमर बी और सी के लिए। कस्टमर बी और सी, कस्टमर बी में चार ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। कस्टमर सी में दो ही ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। हर एक में नंबर ऑफ यूनिट्स पता है, कितना बेचना है, कितना था कस्टमर बी में जरा देखना, 10, 15, 20, 25, यहां पे 10, 15। ठीक, और मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, 15,000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है 15,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है 15,000, तो मेरे को सीधा सेल वाले मिल जाएगा 10,000 × 15,000। अगर हम लोग करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 10,000 × 15,000, ये वैल्यू आ जाएगा 1,500 लाख। तो एक काम करते हैं, सब रुपीज इन लाख है, ऊपर लिखते हैं रुपीज इन लाख।
जाएगा 1500, जाएगा 2250, जाएगा 3000, ये बनेगा 3750। यहां पे आएगा 1500, यहां पे आएगा 2250। माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन उठता है वेरिएबल कॉस्ट कितना, कंट्रीब्यूशन 50% है मतलब वेरिएबल कॉस्ट बाकी 50% रहेगा। मेरे को सीधा क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन माइनस करना है फिक्स कॉस्ट जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, मतलब इन शॉर्ट यह क्या बन जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अगला माइनस करते हैं चार चीज, बैड डेट एक शब्द नहीं बोला, कलेक्शन कॉस्ट एक शब्द नहीं बोला, कैश डिस्काउंट एक शब्द नहीं बोला। अगला माइनस करना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डेफिनेटली करेंगे। ये कैसे किया जाएगा, जैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं, पी इंटू आर इंटू टी। यहां प्रिंसिपल क्या बनेगा, टोटल कॉस्ट। इस क्वेश्चन में खाली वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट आया, मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट आर। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 20%। मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, वो क्या है, क्रेडिट पीरियड, पर सारा का सारा डेज में इसीलिए डिवाइड होगा 360 से। ठीक, तो अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे एक बार एग्जांपल के तौर पे, हम पहला वाला करके दिखाते हैं। पहला वाला में कोई करने का सेंस निकलेगा नहीं, क्योंकि पहले वाले में क्रेडिट पीरियड जीरो है, तो ये जीरो आती है, ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो। दूसरा वाला एक बार कैलकुलेशन आप लोग देखना चाहो तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 1125 इंटू 20%। क्रेडिट पीरियड क्या है, 30 डेज। जाएगा 18.75। दूसरे वाले में देखा कितना बनेगा, 1500 इंटू 20% इंटू 60 डिवाइडेड बाय 360। कितना आएगा, 50। नेक्स्ट वाले में 93.75, नेक्स्ट वाले में 25, 56.25। क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट। तो अगर देखिए कस्टमर बी के अंदर में मैक्सिमम प्रॉफिट कहां है ये, तो इसको कितने दिन का क्रेडिट देना चाहिए, 90 डेज का। और कस्टमर सी में मैक्सिमम प्रॉफिट कहां है इधर, इसको भी कितना देना चाहिए, 90 डेज का। और कस्टमर ए के लिए क्या रहेगा, 0 डेज। डन। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारा किया हुआ भी रहता है। और नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन 7 जो रिस्क एनालिसिस का क्वेश्चन है। क्या है रिस्क एनालिसिस के इस क्वेश्चन में, और जी लिमिटेड इज यूजिंग सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कैश फ्लो अप्रोच इन द इवैल्यूएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल। The following information regarding a new project is as below. अब एक प्रोजेक्ट है जिसमें सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कैश फ्लो इनफ्लो अप्रोच लगाना चाहता है, और इस अप्रोच में क्या होता है, अनसर्टेन कैश इनफ्लो दिया रहता है, इसमें हम कितने परसेंट को लेके श्योर है वो दिया रहता है, इसको अल्फा बोलते हैं। तो जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा के साथ, मेरे को क्या मिलेगा, कितने कैश फ्लो को लेके हम सर्टेन हो गया। तो जैसे 8 लाख × 1 कैश आउट 8 लाख को लेके हम सर्टेन है, यहां में 6,40,000 इंटू 0.8 हम उतने सर्टेन हैं, 5,60,000 इंटू 0.7 सर्टेनिटी मिलेगा। सिमिलरली ईयर 3, 4, 5 के अंदर में मुझे दिया हुआ है, हम लोग आराम से सर्टेन कैश इनफ्लोज निकाल सकते हैं। एक बार ये मेरे को मिल गया, फिर देखो रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्कलेस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिया हुआ है 6%, यही हमारा DRR होगा। और डिटरमाइन करना है प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें या फिर ना करें। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहला टेबल बनाएंगे जहां पे सर्टेन कैश इनफ्लोज निकालेंगे, उसका सीधा एनपीवी कैलकुलेशन करना है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग
अगर सर्टेन कैश फ्लो उसको निकाले तो 8 लाख into 1 8 लाख ही होता है, ये कैश आउटफ्लो है इसीलिए माइनस में। अगला 6,40,000 into 0.8 5,12,000 होता है। नेक्स्ट 5,60,000 into 0.7 3,92,000 होता है। ठीक, ईयर थ्री में 5,20,000 into 0.6 3,12,000 होगा। 4,80,000 into 0.4 1,92,000 होगा। 3,20,000 into 0.3 96,000 होगा। तो लेकिन शुरू में कैश आउटफ्लो पता है, हर साल का कैश इनफ्लो पता है। ठीक, मेरा DRR दिया हुआ है 6%, मुझे कैलकुलेट करना एक्सेप्ट करे या ना करे, NPV निकाल लो। तो NPV निकालना इसे बड़ा आसान रहेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो हम लोग कैलकुलेशन क्वेश्चन में करके दिखाए वो हम लोग अपने एग्जाम में वर्किंग नोट में करके दिखाएंगे और उसके बाद ये सारा कैलकुलेशन करेंगे। कैश आउटफ्लो टाइम पीरियड 0 में है 8 लाख। कैश इनफ्लो टाइम पीरियड 1, 2, 3, 4, 5 में हम लोग जस्ट कैलकुलेट किए थे कितना कितना आया हुआ था 5,12,000 392 312,000 192,96। अगला चीज मेरे को प्री फैक्टर एट द रेट 6% टाइम पीरियड 0 में रहेगा 1, अगले वाले में क्या रहेगा 1.06 डिवाइड इक्वल टू 0.93, एक और इक्वल टू करें 0.890, 0.840, 0.792, 0.747। ठीक, सीधा मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहां पे आएगा 8 लाख और यहां पे आप लोग सीधा मल्टीप्लाई करके देखना, लास्ट में मेरा वैल्यू बन जाएगा। हम मेरा कैलकुलेशन किया हुआ है, हम सीधा बताते हैं, ये आएगा 13,17,552 अगर वो ए है, ये बी है तो एनपीवी आएगा बी माइनस ए 517,552। और मेरा एनपीवी पॉजिटिव आया, इस प्रोजेक्ट को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। डन, ये था हमारा रिस्क एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 7। और नेक्स्ट हम लोग करने वाले एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है डिविडेंड डिसीजन का, वॉल्टर मॉडल के ऊपर में क्वेश्चन 8, फिर आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन 9 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। आंसर देखिए क्वेश्चन 8। Following information relating to G Limited is given below. Profit after tax 10 lakh. Dividend payout ratio दिया हुआ है 50%. Number of equity shares है 50,000. Cost of equity के E दिया हुआ है. Rate of return on investment R दिया हुआ है. Calculate करना है market value per share as per Walter model. तो देखो मेरे को पहले चाहिए earnings per share, जो कैसे मिलेगा, कितना earnings after tax है by number of shares. तो अगर आप लोग अर्निंग्स पर शेयर कैलकुलेट करेंगे तो जितना आफेश कमाया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो आप लोग कैलकुलेट करके देखना, यह आ जाएगा 20। अब अगर अर्निंग्स पर शेयर 20 रुपया है और उस पर डिविडेंड देते हैं 50%, तो डिविडेंड क्या देंगे, 20 का 50%, जो कितना आ जाएगा 10 रुपया। तो देखो ई पता है, डी पता है, आर पता है, के पता है, वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला हम लोग सीधा लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला अगर हम लोग लगाए एज पर वॉल्टर मॉडल, के का फॉर्मूला, सॉरी एमपीएस का फॉर्मूला क्या बनेगा, डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर डिवाइडेड बाई के होल डिवाइडेड बाई के। डिविडेंड पर शेयर था 10, अर्निंग्स पर शेयर था 20 माइनस 10, आर 12% था, के 10% था, होल डिवाइडेड बाई 10%। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे देखना, यह वैल्यू आ जाएगा ₹220। सेकेंड पार्ट में पूछता है व्हाई, व्हाट इज द ऑप्टिमम डिविडेंड पेआउट रेशियो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एट दैट पेआउट रेशियो।
अब देखो ऑप्टिमम पेआउट रेशियो क्या होगा वो डिपेंड करता है आर क्या है, किंग क्या है। आर के का मतलब एक्सपेक्टेशन इक्विटी शेयर होल्डर का कितना है, 10%। इक्विटी शेयर होल्डर का चाहता है 10% का वाला। आर का मतलब बिजनेस कितना रिटर्न दे रहा है, 12%। तो इक्विटी वाले को चाहिए खाली 10% पर बिजनेस दे रहा है 12%, तो देखो बिजनेस फैंटास्टिक काम कर रहा है। और अगर बिजनेस बढ़िया काम कर रहा है तो इक्विटी वाला बिजनेस से पैसा निकालना थोड़ी चाहेगा, वहां पे रखना चाहेगा। तब उस केस में डिविडेंड वो क्या बोलेगा, भाई कुछ मुद्दे अपने पास रख ताकि फ्यूचर में और तरक्की कर सको, फ्यूचर में और ग्रोथ कर सको। तो इस केस में ऑप्टिमम पेआउट रेशियो क्या रहेगा, 0%। तुम्हारे पार्ट टू का आंसर क्या रहेगा, ऑप्टिमम पेआउट रेशियो 0 cents, आर इज मोर देन के। तो अगर डिविडेंड जीरो दे रहे हैं तो एपीएस क्या बन जाएगा, डिविडेंड का वैल्यू जीरो, अर्निंग्स 20 था, डिविडेंड जीरो इंटू आर डिवाइडेड बाई के होल डिवाइडेड बाई के, कैलकुलेट करना है कितना आ जाएगा, 240। तो जब पहले डिविडेंड दिए तो मार्केट प्राइस था 220, जब डिविडेंड कुछ नहीं दिए मार्केट प्राइस बढ़कर हो गया 240, और ऑब्जेक्टिव भी क्या है, मार्केट प्राइस मैक्सिमम करना, जो हो गया। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का। सॉरी कहा गया, हाँ ये चलो। डे लिमिटेड अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, ध्यान देना नया कंपनी है, पहला साल है, यानी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सेम नहीं रहेगा। हैज अप्लाइड टू प्राइवेट बैंक फॉर फर्स्ट टाइम फॉर फाइनेंसिंग इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द प्रोजेक्शन फॉर करंट ईयर, क्या है प्रोजेक्शन, कंप्लीटेड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 31,200, यानी इतना एफजी बनाए, प्लस डब्ल्यूआईपी कितना बना रहे हैं, 12,000, ठीक है। मेरा रॉ मटेरियल डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट ओवरहेड सेलिंग प्राइस सारा का सारा वैल्यूज दिया हुआ है पर यूनिट। ओवरहेड में देखना इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो हम लोग अगर कैश कॉस्ट करते हैं तो 40 में 10 हटाकर क्या ले लेंगे, 30। हमारा रॉ मटेरियल स्टॉक का बारे में लिखा हुआ है, डब्ल्यूआईपी का डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है, मटीरियल 100%, कन्वर्जन कॉस्ट 50%। नेक्स्ट एफजी बनाए 31,200, जिससे पड़ा रह गया 24,000 यूनिट, तो बेचे खाली 7,200 यूनिट। क्रेडिटर का दिया हुआ है ट्रेड अलाउड बाय द सप्लायर, क्रेडिट अलाउड टू परचेजर, जो हम लोग से परचेज कर रहे हैं, यानी डेटर का दिया हुआ है। वेजेस का लैग पीरियड दिया हुआ है, कैश बैलेंस दिया हुआ है, बोलता है हर चीज इवनली हो रहा है थ्रू आउट द ईयर, सारा सेल्स क्रेडिट पे है, वर्किंग कैपिटल निकालना है ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। तो क्वेश्चन उठता है कैलकुलेशन कैसे करें, पहले हम लोग बनाते हैं एक एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। तो जैसे हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाते हैं ना, हमारा कैलकुलेशन बड़ा सिंपल हो जाता है। ध्यान देना ये नया कंपनी है, पहला साल है, इसका मतलब परचेज और कंजम्पशन का वैल्यू सेम नहीं रहेगा। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम मेरा पहला लाइन होता है, जो कैसे आएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। पर पहला साल में ओपनिंग स्टॉक तो हो नहीं सकता, तो शुरुआत करेंगे परचेज के साथ, जो क्या है वो मेरे को नहीं पता, लेस करेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल स्टॉक, ये मेरे को नहीं पता, लास्ट में निकालेंगे, मेरे को सीधा क्या मिलेगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। प्रश्न उठता है रॉ मटेरियल कंज्यूम का वैल्यू कितना आएगा, जरा देखो 31,200 यूनिट्स बनाए एफजी का, हर एक यूनिट पे लगता है 40, तो 31,200 इंटू 40 एफजी के लिए, प्लस डब्ल्यूआईपी का 12,000 बनाए इंटू 40 के रेट पे, और मटेरियल 100% लग गया, तो 12,000 इंटू 40 इंटू 100%, तो क्या लिखेंगे, 31,200 इंटू 40 प्लस 12,000 इंटू 40 का 100% लग गया। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो पता है वैल्यू कितना जाएगा, 17,28,000। ठीक, अगला हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं डायरेक्ट वेजेस का। डायरेक्ट वेजेस 15 रुपया पर यूनिट है, और कन्वर्जन कॉस्ट डब्ल्यूआईपी में 50% लगा है, ठीक है। तो जो एफजी है उसमें तो पूरा 15 करके लग गया, पर जब डब्ल्यूआईपी इसमें 12,000 में 15 करके लगना चाहिए, पर लगा अभी तक खाली 50% है, तो मेरे को इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर आप लोग देखेंगे तो ये आएगा
5,58,000। मेरे को सीधा क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या मुझे ऐड करना है? मेरा पहला ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड 40 रुपया पर यूनिट था, जिसमें डेप्रिसिएशन 10 जुड़ा हुआ है तो हटा के 30 रुपया पर यूनिट। हम लोग सीधा निकालेंगे एफजीडब्ल्यूएपी मिला के, टोटल कॉस्ट क्या लगा? तो एफजी में देखो पूरा लग गया, डब्ल्यूएपी में पूरा जितना लगा उसका 50% तक अभी तक कंप्लीट हुआ है तो वही लेंगे। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखना ये वैल्यू कितना जाएगा, 1,116,000। ठीक, अब इसके हम लोग को ऐड करना पड़ता है ओपनिंग डब्ल्यूएपी, पहला साल नॉट पॉसिबल, लेस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूएपी। क्वेश्चन उठता है क्लोजिंग डब्ल्यूएपी का वैल्यू क्या? देखो मेरा ये खर्चा एफजी का था, ये डब्ल्यूएपी का था, ये एफजी है, ये डब्ल्यूएपी है, ये एफजी है, ये डब्ल्यूएपी है, तो डब्ल्यूएपी का टोटल वैल्यू क्या आएगा? ये तीनों को जोड़ दे, डब्ल्यूएपी का टोटल वैल्यू है। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करो तो देखो ये वैल्यू कितना जाएगा, पहला वाला आएगा 4,80,000, बस ये वाला पोर्शन देखना, ये वैल्यू आएगा 90,000, प्लस ये वाला पोर्शन अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू आएगा 1,80,000। तो कुल मिलाकर अगर आप लोग कैलकुलेट करो तो ये वैल्यू बन जाएगा 7,500,000। मेरे को सीधा क्या मिलेगा? फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। यह आएगा 26,52,000। ठीक है यहां तक? अब ये जो मेरा खर्चा लगा कितने यूनिट के लगा? 31,200 एफजी को बनाने के लिए। डब्ल्यूआईपी के वैल्यू को हम लोग हटा दिए तो ये मेरा पूरा कॉस्ट बचता है खाली एफजी का। ऐड करेंगे ओपनिंग एफजी अगर होता, नहीं है, पहला साल है, लेस करेंगे क्लोजिंग एफजी जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 26,52,000 है, 31,200 यूनिट को बनाने का। ठीक, और देखना इसमें एफजी स्टॉक कितना पड़ा रहेगा, 24,000 यूनिट। जाएगा 20,40,000। मेरे को सीधा क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जाएगा 6,12,000। चलिए 6,12,000। अगर बाई चांस ऑफिस ओवरहेड या सेलिंग ओवरहेड होता हम लोग जरूर ऐड करते, जो नहीं था तो बस मेरा कॉस्ट शीट यहीं पे खराब। और सिंस देखो मुझे कैश कॉस्ट लगाना है तो डेटर को सेल पे वैल्यू नहीं करता, जो लास्ट में टोटल कॉस्ट आया उसी पर वैल्यू करना है। ठीक, अब अगर आप लोग देखो तो कॉस्ट शीट का पहला 2 लाइन मेरा छोड़ा हुआ था। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल किस पे डिपेंड करेगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब देखो मेरा रॉ मटेरियल स्टॉक दिया हुआ है 30 डेज का है, किस पे डिपेंड करेगा? जितना कंज्यूम किए। तो काम करिए रॉ मटेरियल स्टॉक निकाले, जो किस पे डिपेंड करेगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम पे। 17,28,000 डिवाइडेड बाई 360 × 30। देखना ये वैल्यू कितना जाएगा, 1,44,000। तो अगर बैक कैलकुलेशन कर इसको वापस ऐड कर देंगे जाएगा 18,72,000। ठीक, तो जो मेरा रॉ मटेरियल स्टॉक वैल्यू निकला हुआ है और डब्ल्यूएपी स्टॉक का वैल्यू निकला हुआ है, एफजी स्टॉक का वैल्यू निकला हुआ है, तो ये तीनों चीज तो आ गया। इसके अलावा ज्यादा कुछ बचा नहीं है, खाली डेटर क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा हुआ है। तो एक काम करते हैं, हम लोग आखिरी वर्किंग कैपिटल टेबल बना लेते हैं।
सबसे पहले करंट असेट्स, मेरा रॉ मटेरियल स्टॉक निकाला हुआ है ऊपर 1,44,000, मेरा WIP स्टॉक ऊपर निकाला हुआ है 7.5 लाख, हमारा HG स्टॉक ऊपर निकाला हुआ है 20,40,000, और जो परचेजर है, जो जिस जो हमारे गुड्स का परचेजर है, मतलब जो हमारा डेटर है, इसका 60 डेज का क्रेडिट है। और देखो कैश कॉस्ट लगाना है तो किस पे वैल्यू करेंगे, टोटल कॉस्ट जो लास्ट में बचा था 6,12,000, 360 दिनों में है तो 60 डेज में क्या आएगा, और आपको कैलकुलेट करेंगे कितना बनेगा, 1,02,000। अगला कैश एंड बैंक हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैश कितना पड़ा रहेगा, एक्सपेक्टेड कैश बैलेंस रहेगा 2 लाख रुपया, सीधा ऐड करना मेरे को क्या मिलेगा, टोटल करंट असेट। यह आएगा 32,36,000, और नेक्स्ट हमारा करंट लाइबिलिटी, एक हमारा क्रेडिटर जो किस पे डिपेंड करेगा, परचेज पे। देखो साल भर का परचेज मेरा कॉस्ट शीट का पहला लाइन 18,72,000 था, डिवाइडेड बाय 360 एक दिन का आया, और जरा देखना हमारे क्रेडिटर का पीरियड कितना दिया हुआ था, 30 डेज। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करो तो देखना ये वैल्यू आ जाएगा 1,56,000। लास्ट में एक है आउटस्टैंडिंग वेजेस, साल भर का मेरा वेजेस निकाला हुआ था 5,58,000, डिवाइडेड बाय 360 और 15 डेज के लिए है तो कैलकुलेट करना, ये आ जाएगा डिवाइड बाय 360 इनटू 15 23,250, तो ये बनेगा 179,250। तो मुझे नेट वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा, अगर ये मान लो ए है, अगर ये मान लो बी है तो ए माइनस बी, जाएगा 3,056,750। डन। चलो इसी के साथ हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आरटीपी का सारा प्रैक्टिकल को डिस्कस करना होता है खत्म। चलो डन, बाय।